यूबीई मीडिया की पेशकश हिस्ट्री फॉर यू में आपका स्वागत है, जहां हम आपको लेकर चलते हैं बीते समय की उन घटनाओं में जिन्होंने इतिहास में अपनी एक अलग छाप छोड़ी है। आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसी ऐतिहासिक घटना के बारे में जिसने दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका को हिस्सा लेने पर मजबूर कर दिया। हम बात कर रहे हैं पर्ल हार्बर अटैक के बारे में, जिसने दूसरे विश्व युद्ध का इतिहास बदल दिया। 7 दिसंबर 1941 की सुबह, आज से लगभग 82 साल पहले, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया था। दूसरे विश्व युद्ध में यह अमेरिकी जमीन पर पहला हमला था जो अमेरिका के पर्ल हार्बर में स्थित नेवल बेस पर किया गया था। इस हमले ने पूरी तरह से अमेरिका के होश उड़ा दिए थे। जापान ने 1 घंटा 15 मिनट तक अमेरिकी पर्ल हार्बर स्थित नौसैनिक अड्डे पर बमबारी की थी। जापान अमेरिका के ईंधन टैंकों को अपना निशाना बनाना चाहता था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया था। जापान को लगता था कि पर्ल हार्बर में बड़ी संख्या में अमेरिकी विमानवाहक जहाज मौजूद होंगे, लेकिन असल में ऐसा नहीं था। इस हमले में अमेरिका के फोर्ट द्वीप में स्थित नौसैनिक वायु केंद्र और बंदरगाह पूरी तरह से नष्ट हो गए थे। इस हमले में 2400 अमरीकी लोग और जवान मारे गए थे। इसके साथ ही 328 अमेरिकी विमान पूरी तरह से नष्ट हो गए थे। साथ ही 19 समुद्री जहाज, जिसमें 8 जंगी जहाज भी पूरी तरह से तबाह हुए थे। वहीं हमले में जापान के भी 100 से ज़्यादा सैनिक मारे गए थे। जापान के इस हमले से दूसरे विश्व युद्ध ने एक नया मोड़ ले लिया था। इस युद्ध में 70 अलग अलग देशों की सेनाएं शामिल हो गईं। जापानी योजना सरल थी, पैसिफिक फ्लीट को नष्ट करना। इस तरह जापान की सेना और नौसेना के साउथ पैसिफिक क्षेत्र में फैलने से अमेरिकी जवाबी कार्रवाई नहीं रोक सकती थी। 7 दिसंबर को महीनों की योजना और अभ्यास के बाद जापानियों ने हमला शुरू कर दिया। सुबह लगभग 8 बजे जापानी विमानों ने पर्ल हार्बर के ऊपर आकाश को भर दिया। नीचे लंगर डाले जहाजों पर बम और गोलियां बरसने लगीं। सुबह 8:10 पर 1800 पाउंड का बम बैटलशिप यूएसएस एरिजोना के डेक से टकराया और उसकी फ्रंट आर्मरी में जा गिरा। जहाज में विस्फोट हो गया और 1000 से अधिक नौसैनिक अंदर फंस गए और डूब गए। इसके बाद टॉर्पीडो ने बैटलशिप यूएसएस ओक्लाहोमा के आर्मर को छेद दिया। 400 नाविकों के साथ ओक्लाहोमा ने अपना संतुलन खो दिया और एक तरफ को झुकते हुए वो भी समंदर में डूब गया। 2 घंटे से भी कम समय के बाद यह सरप्राइज अटैक खत्म हो गया और पर्ल हार्बर में सारे बैटलशिप्स यूएसएस एरिजोना, यूएसएस ओक्लाहोमा, यूएसएस कैलिफोर्निया, यूएसएस वेस्ट वर्जीनिया, यूएसएस यूटा, यूएसएस मैरीलैंड, यूएसएस पेंसिल्वेनिया, यूएसएस टेनेसी और यूएसएस नेवाडा को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ, जिसमें से एरिजोना और यूटा के अलावा सभी जहाज़ों की मरम्मत करके उन्हें ठीक कर दिया गया। जापान का पर्ल हार्बर पर यह हमला अमेरिका के लिए बेहद चौंकाने वाला था। अमेरिका इस हमले के लिए तैयार नहीं था और ना ही वह इसकी कल्पना कर सकता था, क्योंकि हमले से ठीक एक दिन पहले वॉशिंगटन में जापान के प्रतिनिधियों की अमेरिका के विदेश मंत्री कॉर्डेल हल के साथ जापान पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों को खत्म करने की बातचीत हो रही थी। चीन के बढ़ते हस्तक्षेप के कारण अमेरिका ने जापान पर यह प्रतिबंध लगाए थे। अमेरिका के इन प्रतिबंधों और चीन को दी गई मित्र सेना की मदद से नाराज होकर जापान ने अपने देश में अमेरिका के खिलाफ हमला करने की घोषणा की थी। जापान की ओर से पर्ल हार्बर हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने सीधे तौर पर दूसरे विश्व युद्ध में शामिल होने का ऐलान कर दिया था, जिसके बाद अमेरिका के युद्ध में शामिल होने से यूरोप की स्थिति काफ़ी बदल गई। खास तौर पर ब्रिटेन को अमेरिका का भरपूर साथ मिला और उसने एक मजबूत देश बनकर इस विश्व युद्ध में अपनी भूमिका निभाई। तो यह थी कहानी
पर्ल हार्बर पर हुए इस हमले की। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे आने वाली कहानियों के नोटिफिकेशन को जानने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।